हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। तो जैसा कि कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। एंड इफ यू वांट द नोट्स फॉर जून टर्म एंड एग्जामिनेशन, और अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है और आप इनको बाय कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट, विच इज जस्ट ₹100 पर पेपर, विच मे इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, बट अभी के लिए इसकी प्राइसेस जो है वो ₹100 पर पेपर है और आप इनको बाय कर सकते हैं। आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, सिर्फ ₹10 में आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। ये जो लेक्चर्स मैं करा रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, जहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, और अगर वीडियोस चाहिए तो वीडियोस तो हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सबसे पहला है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो अनस्टेबल इकोनॉमी रिजल्ट्स इनटू हाई कॉस्ट ऑफ परचेसिंग इन्वेंट्री। This situation can stress the management if it is persist for long period of time, है ना? तो अगर economy आपकी unstable है, आप जिस country में काम कर रहे हो, आप जिस country में business कर रहे हो, वहाँ की economy अगर unstable है, तो वहाँ पे जो purchasing inventory का जो cost होगा, वो बहुत ही ज़्यादा high होने वाला है, और इसके वजह से management के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, stress पड़ता है, और अगर ये बहुत लंबे समय तक बना रहता है, तो पक्का जो है business के ऊपर बहुत ज़्यादा stress पड़ता है, और business एक तरीके से बंद भी हो सकता है। तो inventory management is very important. और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर जिसके कारण से इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस या फिर स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यस, वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास नहीं होगी तो आप ज्यादा इन्वेंट्री आप ले नहीं पाओगे, ज्यादा लेने से भी दिक्कत है, कम लेने से भी दिक्कत है। तो इन्वेंट्री आपके पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल अगर प्रॉपर होगा तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपने इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो एज पर द डिमांड। ठीक है, नाउ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल मेक्स इट इजियर टू मैनेज द इन्वेंट्री। अगर ज्यादा वर्किंग कैपिटल होगा, सफिशियंट वर्किंग कैपिटल होगा, तो आप अपने इन्वेंट्री को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। ऑल्टरनेटिवली इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल माइट ब्रिंग डाउन द मैनेजमेंट इफिशियंसी एज अ रिजल्ट ऑफ लेस फाइनेंस टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, है ना? सो ऑल्टरनेटिवली अगर उसके अलग केस की अगर बात करें, तो अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट नहीं है, तो उस केस में हो सकता है कि जो आपकी मैनेजमेंट की एफिशियंसी है, जो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें जो एक तरीके की जो एफिशिएंसी होती है वो घट जाती है ना? उस केस में फिर जो है आपको फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है, कहीं और से आपको लेना पड़ता है। बट वर्किंग कैपिटल अगर आपके पास रहेगा, खुद का फाइनेंस अगर आपके पास रहेगा, तो आप इन्वेंटरी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाओगे। एंड दिस इज द सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज द सप्लायर्स। सप्लायर्स कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑन द कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरी। देखो, आपको इन्वेंटरी चाहिए, पर आपको सप्लाई कौन कर रहा है? सप्लायर कर रहा है, क्रेडिटर कर रहा है। अब उसके पास अगर इन्वेंटरी नहीं रहा, उसके पास अगर प्रॉपर स्टॉक नहीं रहा जो कि वो आपको सप्लाई करता है, तो फिर वो भी आपको कर नहीं पाएगा। तो सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशन बना करके रखना, सप्लायर होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए, राइट? सप्लायर्स कैन हैव इन्फ्लुएंस ऑन द कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरी। दिस इज बिकॉज सप्लायर्स इंपैक्ट प्रोडक्शन रेट्स ऑफ अ कंपनी। देखो, सप्लायर एक तरीके से जो प्रोडक्शन रेट्स होता है उसके ऊपर भी इंपैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास अबंडेंस में सारी चीजें अवेलेबल है, तो आपको वो सस्ते में सप्लाई कर देगा। अगर उसके पास ही कम अवेलेबल होगा, तो वो आपको महंगे में सप्लाई करेगा, और महंगा सप्लाई करेगा तो जो रेट है वो फ्लक्चुएट करेगा, राइट? It is important to find reliable suppliers to ensure steady supply of business inventory and avoid shortages. वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक reliable supplier की आवश्यकता पड़ती है inventory management को proper तरीके से चलाने के लिए, ताकि आप अपना business inventory को ठीक तरीके से चला सकें और किसी भी तरह का shortage अगर हो तो उसको avoid कर सकें। चौथा नंबर पॉइंट है लीड टाइम। लीड टाइम डिस्क्राइब्स द लेंथ ऑफ टाइम ऑफ अ प्रोडक्ट टेक्स फ्रॉम टाइम इट इज ऑर्डर्ड टू द पॉइंट ऑफ टाइम इट फाइनली अराइव्स। देखो, जब मैंने ऑर्डर किया, ठीक है ना, अब मैंने सपोज आज ऑर्डर किया और जो मेरा सामान है वो 5 दिन बाद आ रहा है, तो मेरा काम तो रुका हुआ 5 दिनों के लिए, है ना? तो लीड टाइम का मतलब होता है वो टाइम जिस टाइम पे आप ऑर्डर करते हो और किस टाइम तक आपके आप तक सामान जो है डिलीवरी होती है। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको सामान आज चाहिए, 5 दिन बाद अगर आपको डिलीवर होगा, तो आप अपने कस्टमर को वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे, राइट? सो लीड टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। लीड टाइम हाउएवर वेरीज वाइडली सब्जेक्ट टू द टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रोड्यूसिंग द फाइनल प्रोडक्ट, है ना? तो जो लीड टाइम होता है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है, और जो फाइनल प्रोडक्ट निकल करके आता है वो भी डिफरेंट होता है, राइट? लॉन्गर लीड टाइम अफेक्ट्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट नेगेटिवली सिंस इट मेक्स कंट्रोलिंग प्रोडक्शन रेट्स डिफिकल्ट, है ना? अगर ज्यादा लंबा समय लिया जाएगा लीड टाइम के लिए, तो वहां पे जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके ऊपर उसका नेगेटिव असर पड़ता है,
और जो प्रोडक्शन रेट्स है उसमें भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल बहुत ज्यादा नेगेटिव असर जो है पड़ेगा अगर लीड टाइम आपका प्रॉपर नहीं है तो। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, यस, तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेरी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर जिसकी वजह से जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसमें असर पड़ता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मस्ट कंसिडर द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें यह भी देखना होगा कि किस तरह के प्रोडक्ट आप बना रहे हो। अगर आप बिस्किट्स बना रहे हो तो उसका अलग होगा, है ना। अगर आप गाड़ियां बना रहे हो तो उसका अलग होगा, है ना। बिस्किट्स की आवश्यकता डेली है, गाड़ियों की आवश्यकता डेली नहीं है, डेली है बट मतलब उसकी डिमांड बहुत ही कम है विद कंपैरिजन टू द बिस्किट, राइट। सो सबका टाइप ऑफ प्रोडक्ट अलग होता है, उसी तरीके से इन्वेंट्री भी उसी हिसाब से आपको मैनेज करना होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मस्ट कंसीडर टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन द इन्वेंट्री। फॉर इंस्टेंस सम प्रोडक्ट्स आर मोर पेरिशेबल देन अदर्स, सो दे हैव मे हैव डिफरेंट एक्सपायरी डेट्स। ये ना यहाँ पे एक्सपायरी डेट की बात की गई है कि कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा पेरिशेबल होते हैं, मतलब बहुत ही कम समय में वो खराब हो जाते हैं, तो उनकी एक्सपायरी डेट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर आपको अपने पास सामान रखना है, स्टॉक में अगर सामान रखना है, तो कोई सामान आपने मंगवा लिया पहले से और उसकी वैलिडिटी अगर एक्सपायरी अगर 2-3 साल बाद है तो आप उसको लंबे समय तक भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने सपोज खाने वाली कोई चीज मंगा ली, बिस्किट्स मंगा ली या कुछ मंगा ली, तो उसके ऊपर एक्सपायरी बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं होती है, है ना। तो वो सारे प्रोडक्ट जो है पेरिशेबल प्रोडक्ट होते हैं और उसमें जो है अलग तरीके से आपको इन्वेंट्री मैनेज करने की आवश्यकता पड़ती है, राइट। इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट दीज प्रोडक्ट्स आर रोटेटेड इन लाइन विद देयर एक्सपायरी डेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे प्रोडक्ट को ठीक तरीके से रोटेट करो अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपायरी डेट्स। तो दिस इज इट। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़े, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इट विल हेल्प यू टू यू नो डू ऑल द बीकॉम थिंग्स, चाहे वो असाइनमेंट सबमिशन हो, यू नो हर एक तरह की बेनिफिट्स, ऑन डिमांड लेक्चर्स वगैरह, हर एक तरह की बेनिफिट जो आपको प्रोवाइड कराई जाती है अगर आप इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। और सिर्फ 10 रुपीज पर मंथ है। आप लाइफ टाइम एक्सेस ले सकते हैं 300 रुपीज पे करके, आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा इस ग्रुप का, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।